हेलो एवरीवन, हेलो वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल मेथी के पराठे, वह भी लहसुन और टमाटर की चटनी के साथ। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह मैंने ली है 400 ग्राम मेथी। इसको मैंने पीछे की जो पकी पकी डंडियाँ होती है वह मैंने निकाल कर इसको साबुत को ही अच्छे से धो लिया था। अब इसको हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे और बीच में अगर कोई पत्ता इसमें ख़राब है तो उसको भी हम निकाल देंगे। तो ये लीजिए, थोड़ी सी मेथी को हमने अरेंज कर लिया है। अब इसको हम बारीक बारीक कट करेंगे। इसी तरह से हम सारी मेथी को कट करेंगे। मेथी को जब हम अरेंज करके कट करते हैं तो वह बहुत ही इजीली कट जाती है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसको कितनी मोटी रखी है। आप चाहें तो मेथी को कट करने के बाद भी इसको धो सकते हैं। यहाँ एक बरात में मैंने लिया है लगभग आधे किलो गेहूँ का आटा। इसको हम अच्छे से फैला देंगे और सारी मेथी इसमें डाल देंगे। इसका जो डो तैयार होगा उससे लगभग 5 से 6 लोगों के लिए पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप इसमें बढ़ा सकते हैं या फिर इसमें आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं इसको एक्स्ट्रा कलर देने के लिए। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैंने लिया है 1 गिलास पानी। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ध्यान रहे पानी एक साथ ज़्यादा ना डालें, जरूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसका डो तैयार करें। तो देखिए, 1 गिलास पानी पूरा लग गया है। क्योंकि मैंने साबुत मेथी को ही धोकर पहले सुखा लिया था तो मेथी में बिल्कुल भी पानी या मॉइस्चर नहीं है। और अगर आप मेथी को काटने के बाद धो रहे हैं तो उसमें भी पानी की मात्रा रहती है, तो उसमें पानी और भी ज़्यादा कम लगेगा। तो ये लीजिए, इसको हमने अच्छे से मसलते हुए डो तैयार कर लिया है और इसको तैयार करने में हमारा लगभग 1.5 गिलास पानी लग गया है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं गीले कपड़े से 10 मिनट रेस्ट पर। तो ये लीजिए, 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए आटा भी एकदम बढ़िया से सेट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा सूखा आटा। थोड़ा सा सूखा आटा हम अपनी उंगलियों पर लगाएंगे और इस तरह से इसकी एक लोई तैयार करेंगे। सूखा आटा हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि जो मेथी का डो हमने तैयार किया है ये हाथ पर ना चिपके। इस तरह से गोल घुमाते हुए हम रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई तैयार करेंगे। अगर डो हाथ पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा के उसके बाद फिर से लोई तैयार करेंगे। अब इस लोई को हमने सूखे आटे में कोट कर लिया है और एक्स्ट्रा जो आटा इसमें लग रहा था उसको मैंने झाड़ लिया है। अब इसको हम पूरी से थोड़ा बड़ा साइज़ का बेलन से बेल लेंगे। अब इस पर मैं लगा रही हूँ रिफाइंड। आप घी या तेल जिसमें भी पराठा बनाना चाहते हैं वह इसमें लगा सकते हैं। तो अब इसको हम आधा फोल्ड कर देंगे और ऊपर की साइड में थोड़ा सा रिफाइंड और लगाएंगे और उसके बाद फिर से इसको हाफ फोल्ड कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारे पास एक ट्रायंगल शेप आ गई है। आप इसको सर्कल या ट्रायंगल किसी भी शेप में बेल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ दोनों ही तरह के पराठे बनाना बताऊंगी। अब हम इसको जैसे नॉर्मल पराठा बेलते हैं उसी तरह से बेल लेंगे। मेथी के पराठे के साथ में खाई जाने वाली टमाटर की खट्टी मीठी चटनी की वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये लीजिए, तो वो मैंने पहले ही गर्म कर लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है मेथी का पराठा और ये देखिए, ये ऊपर से ड्राई हो गया है। अब इसको हम पलट देंगे और इसकी जो ऊपरी साइड है इस पर हम लगाएंगे ऑयल। ऑयल को हमें इस पर अच्छे से सभी तरफ फैलाते हुए लगाना है और 1 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसको पलट कर दूसरी साइड से भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। दोनों साइड से हमें पलटते हुए इसको एकदम गोल्डन कलर आने तक पकाना है। बीच में हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर से दबा देंगे जिससे कि सभी तरफ से एकदम बढ़िया से पक जाए। तो देखिए, नीचे से देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया इसमें कलर आया है। अब इसी तरह से हम दबाते हुए दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए, दूसरी साइड से भी हमारा पराठा एकदम पक कर तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया इसमें कलर आया है। अब दूसरे पराठे को भी हमने पूरी से थोड़ा बड़ा साइज का बेल लिया है और इस पर हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल को हम अच्छे से फैला लेंगे। अब इसका हम एक कॉर्नर लेंगे और इस तरह से बंद करेंगे इसको प्लेट डालते हुए। इस तरह से ये एकदम राउंड लोई तैयार हो जाएगी और इसका एकदम राउंड पराठा बनकर तैयार होएगा। हल्का हल्का हम इसको प्रेस कर देंगे। अब इस पर हम सूखा आटा डस्ट करके इसको रोटी की तरह राउंड राउंड बेल लेंगे। और अगर आपका पराठा बीच में चिपक रहा है तो इसमें फिर से आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं और उसके बाद फिर से इसको बेल सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा राउंड पराठा बनकर तैयार है। अब इसको हम तवे पर सेक लेंगे। मेथी का जो पराठा तैयार किया जाता है वह नॉर्मल पराठे से थोड़ा मोटा तैयार किया जाता है और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया जाता है, तभी ये खाने में टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर हम पराठे को हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो वह जल जाएगा और लो फ्लेम पर पकाएंगे तो वह टाइट हो जाएगा। तो इसलिए पराठे को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही पकाया जाता है।
तो देखिए दूसरा पराठा भी पककर तैयार है। दोनों तरफ से कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको हम निकाल देते हैं प्लेट में और इसी तरह से हम अपने सभी पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे लहसुन और टमाटर की चटनी, जो पराठे के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो उसके लिए मैंने लिए हैं एक टमाटर बड़े साइज़ का, इसको मैं छोटा छोटा पीसेस में कट करके ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। साथ ही मैंने ली है 20 से 25 कली लहसुन की, इसको मैंने अच्छे से छील कर साफ़ कर लिया था। इसको भी हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, हींग चुटकी भर और पानी 1 से 2 चम्मच जरूरत के अनुसार। चटनी को पीसने के लिए हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो ये लीजिए चटनी एकदम बढ़िया से पीस गई है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है, इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चटनी और इसको हम ढक देंगे तुरंत ही, क्योंकि चटनी में से छींटे उछलते हैं तो हाथ पर लग सकते हैं। अब इसमें हम सारी चटनी डाल देंगे इसको चलाते हुए, और जिस जार में हमने चटनी पीसी थी उसी जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर उसको हिलाकर चटनी में डाल देंगे और इसको हम ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे 5 मिनट के लिए। तो लीजिए 5 मिनट बाद ये देखिए चटनी में से तेल सेपरेट हो गया है और एकदम बढ़िया से पक गई है। ये देखिए एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी पर चटनी तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, इसको ढककर रख देंगे। और इस चटनी को आप मेथी के पराठे, आलू के पराठे या किसी भी रोटी और पराठे के साथ में सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आलू के पराठे की वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर रखी है। तो देखिए कितना सॉफ्ट मेथी का पराठा बनकर तैयार हुआ है। थैंक यू।